हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा तीसरी एवं चौथी की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाग एक, निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें। तो बच्चों, यहाँ पर भाग एक में गद्यांश दिया गया है जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। शालू मर्दा पेड़ों की माँ। शालू मर्दा कर्नाटक की रहने वाली थी। 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। पति चिकैया दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। गरीबी और अभाव के बीच में भी वह खुश थी, लेकिन शादी के 25 वर्षों बाद भी वह माँ नहीं बन सकी। हर दिन ईश्वर से माँ बनने का वरदान मांगती रही, लेकिन पूरी ना हुआ। फिर उन्होंने बरगद के पौधे लगाए। वे पौधों को अपने बच्चे की तरह देखभाल करती, समय पर पानी देती और जानवरों से बचाती। पहले साल 10, अगले साल 20, इस प्रकार शालू मर्दा ने 400 बरगद के पेड़ लगाए। शालू मर्दा का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। उन्होंने अपने नाम के अनुसार काम किया। उन्हें अपने इस काम के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। गद्यांश पढ़ने के बाद चलिए अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर देने के लिए आपको सही उत्तर का चयन करना है। अर्थात यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है, शालू मर्दा डैश की रहने वाली थी। तो यहाँ सही विकल्प है ख, कर्नाटक। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। गरीबी व अभाव के बीच में भी वह डैश थी। तो यहाँ सही विकल्प है क, खुश। तीसरा प्रश्न, हर दिन ईश्वर से डैश बनने का वरदान मांगती। तो यहाँ सही विकल्प है घ, माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, शालू मर्दा ने डैश बरगद के पेड़ लगाए। तो यहाँ सही विकल्प है घ, 400। पांचवा प्रश्न, शालू मर्दा का अर्थ डैश होता है। तो यहाँ सही विकल्प है ख, पेड़ों की पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी कहानी को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 से 10 प्रश्न। तो बच्चों, अब 6 से 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको दी गई कहानी को पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में कहानी में छिपे हुए हैं। स्याही का अंगूठा। शनिवार का दिन है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ की मीटिंग चल रही है। गुड़िया की माँ मीटिंग में आती है और हर बार की तरह अंगूठा लगाने वाला मांगती है। तभी मैडम कहती है, गुड़िया, आपने मम्मी को नाम लिखना नहीं सिखाया। गुड़िया के पास कोई जवाब नहीं था। मैडम, इस महीने तो माँ अंगूठा लगा देगी, अगले महीने की मीटिंग तक माँ को नाम लिखना सिखा देना। गुड़िया को आज से यही गृह कार्य मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़िया की माँ जैसी ही काम से आई, गुड़िया ने जल्दी से माँ को पानी दिया। बोली, माँ, आप 1 घंटा आराम कर लो, फिर मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगी। माँ, हाँ ठीक है। अब गुड़िया रोज़ाना अपनी माँ को नाम लिखना सिखाती। अगले महीने की मीटिंग आ गई। गुड़िया अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। माँ मीटिंग में आई। आज माँ ने रजिस्टर में धीरे धीरे अपना नाम लिखा, राजेश। मैडम, वाह, गुड़िया, आपने तो कमाल कर दिया, माँ को उनका नाम लिखना सिखा दिया। आज माँ के अंगूठे में स्याही नहीं लगी। अब देर रात तक माँ को अपना अंगूठा भी रगड़ना नहीं पड़ा। तो बच्चों, कहानी पढ़ ली है आपने। अब चलिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 6, शनिवार से पहले डैश दिन आता है। तो यहाँ सही विकल्प है ग, शुक्रवार। प्रश्न 7, महीने को हम डैश भी कह सकते हैं। तो सही विकल्प है क, माह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, कमाल का अर्थ है डैश। तो सही विकल्प है ग, चमत्कार। 9वां प्रश्न, गुड़िया की माँ का नाम डैश है। तो सही विकल्प है ग, राजेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, आज गुड़िया की माँ के अंगूठे में स्याही नहीं लगी थी, क्योंकि। तो यहाँ सही विकल्प है घ, माँ ने नाम लिखना सीख लिया है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सवालों का जवाब दीजिए। अब 11 से 15 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको
दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है। प्रश्न 11, यह चित्र किस चीज़ का है? तो यहाँ सही विकल्प है ख, ढोलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, यह एक डैश यंत्र है? तो यहाँ सही विकल्प है क, वाद्य। यह एक वाद्य यंत्र है। प्रश्न 13, यह यंत्र डैश रंग का है? तो यहाँ सही विकल्प है ख, काला और सफ़ेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, काला और सफ़ेद रंग के डैश हैं? क, जेब्रा क्रॉसिंग, ख, श्यामपट चौक, ग, चीता, घ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही विकल्प है उपरोक्त सभी। ऊपर दी गई सभी चीज़ें काला और सफ़ेद रंग की हैं। प्रश्न 15, इस यंत्र से मिलता जुलता शब्द डैश है? तो यहाँ सही विकल्प है ख, गुल्लक। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।